वीडियो को स्पॉन्सर किया है फैमी सेफ ने, जिसकी वजह से आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पे और इस दुनिया में रख सकते हो प्रोटेक्टेड। इसके अंदर आपकी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छे फीचर्स है, जैसे यहाँ पे आता है आपको रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, जिसकी वजह से आप ध्यान रख सकते हो कि आपकी फैमिली जो है वो सेफ है या नहीं और उनके फ़ोन का बैटरी परसेंटेज वगैरह कितना है। जियो फेंसिस सेट कर सकते हो और इसी तरीके से दोस्तों लोकेशन हिस्ट्री भी यहां से आप चेक कर सकते हो। फैमी सेफ को डाउनलोड इंस्टॉल करना बहुत इजी है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर में ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, वहां से आप कर सकते हो इसको डाउनलोड, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से इसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करने पे आपको मिलता है 3 दिन का फ्री ट्रायल। इसको बहुत ईजिली अपने किड्स के डिवाइसेज पर अपने डिवाइस पर आप कर सकते हो सेटअप। और फैमी सेफ का चल रहा है क्रिसमस और न्यू ईयर का ऑफर, जिसमें आपको मिलता है फ्लैट 40% का डिस्काउंट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड करके चेकआउट जरूर कीजिए। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग, मेरा नाम नबील है। आपको मैंने बताया था कि iOS 14.3 के अंदर जो है ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंजिंग वाला ऑप्शन आ चुका है, तो आप में से बहुत लोगों ने बोला कि वीडियो बना के बताओ, तो ये वाला वीडियो उसी के लिए है जहाँ पे आपको बताऊंगा किस तरीके से ऑटोमेटिकली आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं लेटेस्ट आईफोन दिखा रहा हूँ 12 प्रो मैक्स का, मतलब ये नहीं कि 12 प्रो मैक्स पे ही चलेगा, किसी भी आईफोन पे, चाहे आईफोन SE हो चाहे iPhone 6s हो, जो भी iOS 14.3 पे अपडेटेड है उसके ऊपर ये वाला जो फीचर है वो काम करेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका आईफोन जो है 14.3 पे अपडेटेड है। एक बार आपने अपडेट कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से काम करेगा, इसमें बता देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। यहाँ पे मैंने सेट करके रखा है इसको लो पावर मोड पे, तो जब भी मैं लो पावर मोड एनेबल करूँगा वॉलपेपर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, लो पावर मोड डिसेबल करने पे ये चेंज नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ आपको करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दिन के किसी भी वक्त के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो और आपका वॉलपेपर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा ईच एंड एवरी डे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है बता देता हूँ, सबसे पहले यू विल नीड टू गो इन योर फोटो एल्बम। फोटो एल्बम में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्लस पे टैप करना है, यहाँ पे न्यू एल्बम पे टैप करना है और न्यू एल्बम का नाम रख देना है आपको वॉलपेपर। वॉलपेपर के अलावा आप कोई भी नाम रख सकते हो, यहाँ पे वॉलपेपर नाम का एक एल्बम बना देना है और आपको कुछ वॉलपेपर जो है उस एल्बम में ऐड कर देने हैं, जैसे यहाँ पे मैंने किया है। एक बार एल्बम बन गया, यहाँ पे एल्बम में जाके प्लस आइकन दबा के आप जो है अलग अलग वॉलपेपर्स जो भी इंटरनेट से आप डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं, अपने मनपसंद के वो इस एल्बम में डाउनलोड करके रख सकते हैं। और ये कितने भी नंबर ऑफ वॉलपेपर्स हो सकते हैं, 100, 200, 300, 500, जितने आपको रखना है रखिए। यहाँ पे मैंने जो है चंद वॉलपेपर्स रखे हैं आपको दिखाने के लिए। एक बार आपने ये वॉलपेपर वाला एल्बम बना लिया दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है आपके फ़ोन के शॉर्टकट्स एप्लीकेशन में। शॉर्टकट्स एप्लीकेशन अगर आपके फ़ोन में नहीं है बाई चांस, तो जाके ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और एप्पल का खुद का एप्लीकेशन है, इसमें कोई भी डेटा लॉस का या सिक्योरिटी लैप्स का चांस नहीं है। ये एप्लीकेशन डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद, या फिर अगर आप ओपन करो अपने फ़ोन में डायरेक्टली, तो यहाँ पे माई शॉर्टकट्स का ऑप्शन है, इस पर टैप कर लीजिए सबसे पहले और यहाँ पे ऑल शॉर्टकट्स पे टैप कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस आइकन पे टैप करना है। एक बार आपने यहाँ पे प्लस आइकन पे टैप किया तो न्यू शॉर्टकट वाला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे ऐड एक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च में जाना है और आपको टाइप करना है यहाँ पे फोटोज़। एक बार आपने फोटोज़ पे टैप किया यहाँ पे, तो फाइंड फोटोज़ पे टैप कर लीजिए, यहाँ पे आपको दिखेगा फाइंड के आगे ऑल फोटोज़, उसके बाद ऐड फिल्टर का ऑप्शन है, एल्बम इस लिखा है रीसेंट, तो रीसेंट की जगह आपको चूज़ करना है वॉलपेपर। तो यहाँ पे बहुत सारे एल्बम है मेरे फ़ोन में, तो यहाँ पे मैं वॉलपेपर जो एल्बम मैंने बनाया है उसको चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सॉर्ट बाय का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो उस पर आपको नन पे यहाँ पे टैप करना है और यहाँ पे आपको जो भी चूज़ करना है आप कर सकते हैं, लेकिन मैं रैंडम चूज़ करूँगा क्योंकि मुझे रैंडम ऑर्डर के अंदर, यानी कि अलग अलग वॉलपेपर दिन के अलग अलग टाइम पे या फिर एवरी डे चेंज होते मुझे नज़र आने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लिमिट को आपको ऑन कर देना है, लिमिट को ऑन करने के बाद यहाँ पे गेट को करना है 1 आइटम के ऊपर, माइनस माइनस कीजिए और 1 आइटम पे आपको आ जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्लस आइकन पे टैप करना है। अगर इसके अलावा आपको कोई और स्क्रीन यहाँ पे नजर आती है तो यहाँ पे क्रॉस नजर आएगा, उस पर टैप करके बैक हो जाइए और यहाँ पे आप आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है अगेन वॉलपेपर, तो यहाँ पे वॉलपेपर टाइप करेंगे। iOS 14.3 के अंदर ये वाला ऑप्शन आया है, इसके पहले वाले किसी भी वर्जन पे ये देखने नहीं मिलेगा। सेट वॉलपेपर पे टाइप कर लीजिए और यहाँ पे आपको सेट वॉलपेपर के आगे लिखा हुआ है लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन। अगर आपको लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन अलग अलग जो है वॉलपेपर सेट करना है तो यहाँ से आप पर्टिकुलर एक को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मुझे दोनों पे सेम रखने की आदत है तो मैं यहाँ पे सेम ही रखता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको शो मोर पे टैप करना है, शो मोर पे टैप करने के बाद शो प्रीव्यू को आप ऑफ कर दीजिए। एक बार यहाँ पे हम लोग इसको प्ले करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा वॉलपेपर जो है वो चेंज हो गया। अगेन एक बार हम लोग इसको प्ले करके देखेंगे तो यहाँ पे अगेन हमारा वॉलपेपर चेंज हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा शॉर्टकट जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे टाइप कर देना है, यहाँ पे अपने शॉर्टकट को कोई भी नाम दे दीजिए। आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो है इसको डायनामिक वॉलपेपर बोल रहे हैं, आप ऑटो वॉलपेपर बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए। यहाँ पे बस आपको जो है आपका मनपसंद का नाम टाइप कर देना है और डन पे क्लिक कर देना है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा शॉर्टकट जो है ऑटो वॉलपेपर 2 तैयार हो गया। आपको जो नाम देना है आप रख लीजिए, अपना खुद का नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको टैप करना है दोस्तों ऑटोमेशन पे। ऑटोमेशन पे टैप करने के बाद यहाँ पे प्लस आइकन दिया हुआ है, इस पे टैप कर दीजिए और यहाँ पे आता है आपको क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशन। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस नजर आएंगे। जैसे आपको ये ऑटोमेशन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वॉलपेपर चेंजिंग का, ये कब आपको रन करना है, टाइम ऑफ द डे पे, अलार्म जब साउंड ऑन हो जाती है, स्लीप टाइम पे, जब आप कोई जगह से निकल जाते हो, जब आप कार प्ले से अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हो, जब आप अपने फ़ोन को चार्जर से कनेक्ट करते हो, जब लो पावर मोड ऑन करते हो, जो आपको सिलेक्ट करना है कर सकते हैं। लेकिन जो आपको करना चाहिए आइडियली वो ये है कि टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे के अंदर आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन नज़र आते हैं। अब दिन में एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर ये वॉलपेपर चेंज करना चाह रहे हो तो AM PM यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो और अपने मुताबिक यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो, वो टाइम पे वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो एवरी सुबह सनराइज़ पे आपको एक नया वॉलपेपर नज़र आए तो सनराइज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, डन पे टैप कीजिए और सनराइज़ पे एवरी डे जो है आपका वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। और रिपीट कब करना चाहते हो, अगर आप रोज़ वॉलपेपर चेंज नहीं करना चाहते तो डेली की जगह आप वीकली मंथली भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं डेली वॉलपेपर जो है चेंज करना चाहता हूँ तो डेली सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड एक्शन का ऑप्शन देखने मिलेगा, इस पे टैप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे टाइप कीजिए रन। रन टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको शॉर्टकट नजर आएगा, शॉर्टकट में जाइए, रन शॉर्टकट पे टैप कर लीजिए। यहाँ पे रन के आगे शॉर्टकट दिया है, उस पे टैप कर लीजिए और यहाँ पे आपको आपका जो शॉर्टकट है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था ऑटो वॉलपेपर 2, वो मुझे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं कर दूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई है, एस्क बिफोर रनिंग लिखा है तो इसको आपको ऑफ कर देना है, अदरवाइज एवरी टाइम वो ऑटोमेशन रन होगा तो आपको पूछेगा, तो डोंट आस्क पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्लिक कीजिए डन पे। यहाँ पे दोस्तों आपका ऑटोमेशन हो गया है सेट। अब जब एवरी डे शॉर्टकट रन होगा दोस्तों तो एक चीज होगी जो शायद आपको इरिटेट कर सकती है, जैसे यहाँ पे मैं आपको रन करके बताता हूँ ये शॉर्टकट लो पावर बोर्ड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन नोटिफिकेशन आता है शॉर्टकट्स एप्लीकेशन का। अगर आप नहीं चाहते कि ये तरीके का एक नोटिफिकेशन आए, ड्रॉप डाउन आए एवरी डे जब आपका वॉलपेपर चेंज हो, तो किस तरीके से आप उसको बंद कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि एकदम सीमलेस और अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने मिले। आपको जाना है इसके लिए सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाना है स्क्रीन टाइम में। स्क्रीन टाइम आपका ऑन होना चाहिए, अगर ऑन नहीं था पहले से तो अभी ऑन कर लीजिए और थोड़े देर इसको यूज़ कीजिए, शॉर्टकट एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए, उसके बाद ही जो ऑप्शंस आपको दिखाऊंगा वो आपको इस्तेमाल करने मिलेंगे। इसके बाद आपको सी ऑल एक्टिविटी पर टैप करना है। सी ऑल एक्टिविटी के अंदर आपको जाना है नीचे, जहाँ पे आपको नजर आते हैं नोटिफिकेशंस। अगर नोटिफिकेशन यहाँ पे नजर नहीं आ रहे तो थोड़ी देर शॉर्टकट यूज़ कीजिए, उसके नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। अगर आप इस पर इस तरीके से टैप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे ये जो रेड दिया हुआ है इस पर टैप कीजिए और उसके बाद जो है आपको शॉर्टकट पे टैप करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अलाउ ऑल नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए और अभी मैं आपको लो पावर मोड वाला मेरा जो शॉर्टकट है वो रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी जो है ड्रॉप डाउन नोटिफिकेशन नहीं आया और मेरा वॉलपेपर ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज हो चुका है। इस तरीके से आप अपने ऑटोमेटिक वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं बड़े ही इजीली। अभी लो पावर मोड तो सिर्फ एग्जांपल था, लेकिन जब कभी सनराइज होगी, एवरी डे जब सनराइज होगी तो ऑटोमेटिकली वो एल्बम में से एक नया वॉलपेपर चूज करके मेरा फोन जो है अपने स्क्रीन पे कर देगा सेट और एक प्लेजेंट और अच्छा एक्सपीरियंस मुझे एवरी डे देखने मिलेगा अपने आईफोन पे। तो ये था दोस्तों ऑटोमेटिक वॉलपेपर, डायनामिक वॉलपेपर किस तरीके से आप सेट कर सकते हैं उसका एक ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।